सो आज जी हम बना रहे हैं वीडियो फॉर एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड टू ओपन अ कॉफी शॉप या जो कोई कंसिडर कर रहा है कॉफी शॉप ओपन करना. एंड वी थॉट के रादर देन हम इसको एक बोरिंग स्टाइल में पेपर पेन पे बताएंगे क्या आपको करना चाहिए, तो हमने ये सोचा कि हम ना यार डिफरेंट जो अभी कॉफी शॉप्स इस वक्त चल रही है मार्केट में और अच्छी चल रही है उनको हम रिव्यू करें और इस माइंडसेट से करें कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉफी शॉप खोलनी है तो मैं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो करंट जो मार्केट में कंपटीशन है उनके पास अच्छे हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, और क्या ऐसी चीजें जो मुझे लगता है मेरी ओपिनियन में उनकी वीकनेस है जो मैं शायद यूज नहीं करूंगा इफ आई एम ओपनिंग अ कॉफी शॉप. सो स्टार्टिंग ऑफ क्योंकि हम फेज 6 में इस वक्त, तो हम राया से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला ब्रांड जिसको हम विजिट करने लगे हैं वो है आर्टिसन. आर्टिसन के बारे में ये है कि मैं उसकी कॉफी काफी कम पीता हूँ, बट जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी और स्ट्रेंथ लगती है वो ये है कि वो काफी ऑथेंटिक टेस्ट है उनका, जो मैंने काफी लोगों से सुना है, खुद भी जब भी ट्राई की है. और आई थिंक उन्होंने अपने आप को मार्केट किया हुआ एज थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग. वो लगता है थोड़ा सा जरा नीश ब्रांड या इस तरह की जो है ना उसकी लुक एंड फील आती है. तो अभी तो एक उनकी लोकेशन राया में है और एक उनकी लोकेशन टी ब्लॉक में है. लोकेशन वाइज मेरा जो है लगता है मुझे कि मैं उनसे इतना इंस्पायर्ड नहीं हूँ, क्योंकि टी ब्लॉक में अब उस तरह का फुटफॉल नहीं है जिस तरह की आवाम कॉफी पीती है या जिस तरह की स्पेंडिंग पावर होनी चाहिए डेली कॉफी के लिए अगर आपको, क्योंकि रिकरिंग क्लाइंट ही होना चाहिए आपका कॉफी बिजनेस में. और इन टर्म्स ऑफ राया, आई थिंक राया में बड़ी एक्सक्लूसिव अमाम जाती है इन टर्म्स ऑफ एक सर्टन, खैर अब तो एक्सक्लूसिव भी नहीं जाती, अब तो मेरा ख्याल है राया काफी टिकटॉक हब बन चुका है. स्टिल आई थिंक राया में आप स्पेशली जाएंगे तो ही आपको एक ब्रांड की विजिबिलिटी नजर आती है और उसके बाद ही आप उनके कंज्यूमर बनते हैं. सो वो यू नो मतलब अगर जैसे मैं आर्टिसन पीना चाहूंगा तो मैं रोज ऑल द वे राया, या इवन मैं फेस 6-7 में भी रहता हूँ राया या मैं टी ब्लॉक, उस तरह से वो रस्ते में नहीं पड़ता शायद. मेरा ख्याल है वो जो है ना इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा एक उनका ड्रॉबैक है, शॉर्टफॉल है. तो ये सीन है. मेन्यू उनका मुझे लगता है कि काफी एक्सटेंसिव है, लेकिन उनके पास वो ड्रिप कॉफी भी है और एक्स वाई जेड चीजें हैं. इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स एंड एम्बियंस आई थिंक वो बड़ी ओके है, उसमें मतलब कोई ऐसा इतना बड़ा फैक्टर नहीं है. और इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग भी मुझे लगता है कि वो वीक एलिमेंट है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे कभी उस तरह की मार्केटिंग नहीं देखी. मैंने बहुत कम लोगों को टैग करते देखा है उसको, बहुत कम स्टोरीज पे लोगों को देखा है कि वो टैग कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पे वो थोड़ा वीक है. लेकिन रिसेंटली मैं अभी थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद जा रहा था तो मैंने देखा भेरा पे उन्होंने अपनी शॉप खोली. सो वो एक बड़ी अच्छी टारगेट मार्केट है जो उन्होंने हिट की है, कि भेरा पे अभी तक सिर्फ ग्लोरिया था, ग्लोरिया की खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन ग्लोरिया के अलावा और कोई ऑथेंटिक कॉफी की ऑप्शन नहीं थी. तो उन्होंने बड़ा एक छोटा सा क्यूट सा अपना एक वहाँ पे स्पॉट खोला, जिसकी मैंने वहाँ पे उसने कॉफी ट्राई की, इट वॉज रियली गुड. तो वो एक बड़ी अच्छी टारगेट मार्केट है जो उन्होंने टैप की है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन. लेकिन एज ए सेड लोकेशंस वो DHA में गुलबर्ग वगैरह में और बेहतर लोकेशंस पकड़ सकते हैं और अपना बेहतर एक्सपैंड कर सकते हैं. बट या इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल, आई थिंक दे आर द बेस्ट सो फार इन द मार्केट. अच्छा, सो राया इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है ऑप्शन लोगों को, कि यार राया में काफ़ी फुटफॉल है, हर बंदा इधर आ रहा है और जितने जल्दी राया पॉपुलेट होना है एवरीथिंग. यस, ये रीजंस कार्य काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगेन जब आप ये एक नए बिजनेस में आ रहे हैं और बिल्कुल आप एक कॉफी शॉप स्टार्टअप में, स्टार्टअप सीन में आप, तो राया में ना जाने के बहुत से रीजंस हैं मुझे ऐसा लगता है, जिसमें से सबसे बड़ा हायर रेंटल्स. राया के रेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो आपके फिक्स कॉस्ट के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि मुझे लगता है कि सेम जगह और कहीं बेहतर बाहर DHA में या कैंट में या गुलबर्ग में आपको मिल सकती है, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट उतना ही फुटफॉल मिल सकता है. सेकेंडली मुझे राया से जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि राया का जो क्राउड है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है. मतलब कि मैं जब कभी राया जाता हूँ मैं बड़ा कंफ्यूज्ड होता हूँ कि अगर मेरी इधर एक शॉप होती है तो मेरा एक्चुअल बायर है कौन. ये जो सारे लोग यहाँ पे फिर रहे हैं या टिकटॉक बना रहे हैं या फवारे के साथ खड़े हैं, ये मेरे बायर है, या जो असल मेरा बायर है वो उनकी वजह से शायद आ नहीं रहा क्योंकि फैमिलीज वाला अक्सर माहौल नहीं होता, कुछ अजीब ही वहाँ पे चल रहा होता. तो ये सारी रीजन है. और थर्डली मुझे लगता है कि स्पेशली फॉर अ कॉफी शॉप के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के आपका जो क्लाइंट है वो डेली का क्लाइंट हो. ठीक है, यहाँ पे राया में अब जैसे बहुत बड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड है, जो कि टेक्निकली हमारे कंपैरिजन में नहीं आता, बट स्टिल टू गिव अ कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ कि इतना बड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, वो है कोस्टा. अब कोस्टा इंटरनेशनल ब्रांड है, जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं वो कोस्टा जरूर जाते हैं, कॉफी पीते हैं एवरीथिंग, बट क्योंकि वो बिल्कुल एक साइड पे करके है तो यहाँ पे आने के लिए काफी प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा. ठीक है, मैं रोज ऑफिस जाते हुए कोस्टा गुजरता हुआ नहीं जाऊंगा, क्योंकि राया के अंदर जाना, पार्किंग ढूंढना, रश में जाना, एक्स वाई जेड, यू नो. सो
जो लोकेशन है राया की वो आई थिंक फॉर फाइन डाइनिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी के लिए फिर भी समझ आती है, बट फॉर कॉफी शॉप आई थिंक इट्स अ बिट ट्रिकी। तो वो जो है ना, मैं इन रीजंस की वजह से राया कभी भी नहीं जाऊंगा, फॉर द कॉस्ट एंड फॉर कि मैं एक कैसे क्लाइंट को कैटर नहीं कर सकता जो मेरा डेली का कस्टमर है, ठीक है, जस्ट लाइक कॉफी टी बीन का है या ग्लोरिया का है या एक्स वाई जी जो और ब्रांड्स हैं इनके भी हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट अप जी, अब हम जा रहे हैं, अब हम आ गए हैं दोबारा फेज 6 की मेन बुलेवार्ड पे, और यहाँ पे रिसेंटली आया है डबल शॉट। अच्छा, डबल शॉट से जो मैं सबसे अच्छी चीज जो मैं सीखता हूँ, जो कि मैं इंस्पायर होता हूँ, वो ये है कि दे स्टार्टेड वेरी स्मॉल कैंट में गिरजा चौक के पास, जो सारी मार्केट बड़ी नेक्स्ट अप हिट हुई है, दे स्टार्टेड देयर। उन्होंने प्रॉपर वो स्ट्रेटजी जो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि MVP बनाया उन्होंने, बेयर मिनिमम शॉप ली, बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ उन्होंने लोगों को इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, वी आर समवेयर इन द कॉफी सीन, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रेजोनेट करना शुरू किया। इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर्स, आई थिंक उनका फ्लेवर्स और उनका मेन्यू काफी डिफरेंट है, लिमिटेड है, दैट इज अ गुड थिंग। बहुत बड़ा एक्सटेंसिव मेन्यू आई डोंट थिंक आपको कॉफी शॉप में करना चाहिए, क्लाइंट कंफ्यूज होता है, आपके रॉ मटेरियल बढ़ता है, आपकी हैसल बढ़ती है, आपको मेंटेनेंस में मतलब उसकी आप क्या कहते हैं उसकी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है। छोटा मेन्यू रखें, लिमिटेड चीजें रखें, कुछ अपनी स्पेशलिटीज रखें, कुछ वही चीजें होती है, वनीला लाटे है, कैपेचिनो है, फ्लैट व्हाइट है, और वो इतनी जो भी आपकी मेन है वो आप कर लें। तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो फैक्टर है कि उन्होंने पहले मार्केट टेस्ट की है, वंस उन्हें लगा कि नहीं यार हमारे प्रोडक्ट में जान है, हम इसको और बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने फिर अब फेज 6 में एंट्री मारी है। लेकिन मैं उस दिन यहाँ पे आया हूँ, मैंने कॉफी पी है, कॉफी एज पर स्टैंडर्ड थी, सारा कुछ है, मुझे इनकी लोकेशन से बड़ा इख्तलाफ, वो ये है अगेन एज आई सेड, ये जा रहा है अंडरपास, ठीक है, यहां से अगर आप आ रहे हैं तो आप अंडरपास पे चले गए और आप सीधा इनको क्रॉस करके आगे चले गए, ठीक है, ये बैठे हैं वहां पे, ठीक है, वो कोने पे, अब मुझे जाना है पहले ऑफ रोड इधर, ठीक है, फिर मुझे लेना है आगे से यू टर्न, फिर मुझे जाना है उस सर्विस लेन में, और फिर मैंने उनके पास पहुंचना है। सी सो नाउ इफ आई वॉन्ट टू हैव कॉफी एंड आई एम गोइंग बाय दिस वे, मेरे लिए अब ये एक प्रॉपर डिटोर है, ठीक है, मुझे ये नहीं है कि यार मैं जाते हुए बस साइड में से ब्रेक मारूंगा, बंदा बाहर आएगा, मैं कॉफी लूंगा, मैं जा रहा हूं। ये सिर्फ आइडली उनको सूट कर रहा है जो इस साइड से आ रहे हैं, ये हमारे ऑफिस वाली साइड से, देखिए अब यू टर्न है ही नहीं, यू टर्न इशारे तक है जाके, ठीक है, सिग्नल से हमने मुड़ना है, फिर हमने वापस जाना है, फिर हमने सर्विस लेन में जाना है, और अगर आप अंडरपास से निकलते भी हैं तो अंडरपास से भी निकल के आपको ऑल द वे आगे जाना पड़ेगा, DHFA 6 के ऑफिस से मुड़ना पड़ेगा और उसके बाद आना पड़ेगा, एंड आई थिंक दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है, अभी हम जाते हैं उधर दोबारा वहां से, तो हमें थोड़ा और आइडिया होगा कि लोकेशन बहुत मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ कॉफी सीन, कि आप कहाँ बैठे हैं और आप कितने एक्सेसिबल हैं। और ये अब हमें पीछे दोबारा जाना पड़ना है, देखे ना यहाँ पे हमें जाना है सर्विस लेन, क्योंकि देखे ना ट्रैफिक वहां से आ रही है बहुत ढेर सारी, ठीक है, और अंडरपास के ऊपर आप बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है, तो वो वाला सीन जो है ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, मैं ही नहीं कह रहा कि चलेगा नहीं, जिन्होंने पीनी है वो पिएंगे, जिन्होंने रुकना है वो रुकेंगे, रात को आप जब ड्राइव पे निकलते हैं तब आप कोई डिटूर कुछ नहीं कहता, बट आई थिंक वो जो मॉर्निंग क्लाइंटेल है ना, जिन्होंने कॉफी लेते हुए ऑफिस जाना है सारा कुछ है, उनके लिए ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है। बट एक और चीज जो मुझे डबल शॉट की बड़ी स्ट्रेंथ लगती है वो है इनका इंटीरियर, प्लेन बेसिक, उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं ली हुई, उन्होंने सीधी सीढ़ियां रखी हैं, अपनी मशीन रखी है, नीचे सीमेंट वाला फ्लोर है, अंदर ज्यादा जगह नहीं रखी है, बहुत प्लेन बेसिक की है, और मिनिमलिस्टिक के अंदर उन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी की है और अपना इंटीरियर डिजाइन भी किया, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है इनकी कि इसके अंदर उन्होंने काफी कॉस्ट बचाई है। इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग इट्स आई थिंक इट्स रियली नाइस, लोग इनको टैग वगैरह भी करते हैं, इनकी अपनी क्लाइंटेल है जो कि डेली जाती है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट 5-6 लोग हैं जो डेली जाते हैं यहाँ पे और इनको टैग करते हैं, इनकी कॉफी इंजॉय करते हैं, और अगेन आई थिंक इनका एक ही साइज ही ऑफर करते हैं, विच इज गुड ऑल्सो के आप स्मॉल लार्ज मीडियम वाले मेरे ख्याल जमाने चले गए जब हम ग्लोरिया में थे, हम ये चीज करते होते थे, तो आई थिंक अब लोगों ने हैसल ही खत्म कर दी है कि नॉट डिफरेंट साइज ऑफ पैकेजिंग मंगवाओ, सिंपल एक ही पैकेज है, एक ही साइज है, लेना है जिसने ले वो अपना काम, थैंक यू वेरी मच। तो ये डबल शॉट का एक है सीन, लेकिन एक और इनकी स्ट्रेंथ जो है, इट इज बैक्ड बाय अ वेरी ह्यूज ग्रुप, इनका लिक्विडिटी प्रॉब्लम कोई नहीं, ओ भाई मरना जाए, इनका लिक्विडिटी प्रॉब्लम कोई नहीं, तो इन टर्म्स ऑफ ये के आई हैव हर्ड दे हैव अ गुड एक्सपेंशन प्लान ऑन द टेबल, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपना नेटवर्क बना लेते हैं, जो कि हम बाकी जो आगे ब्रांड्स की जिनकी बात करेंगे उनके अंदर कुछ में ये स्ट्रेंथ है, कुछ में अभी ये डेवलप कर रहे हैं, तो ये सीन है। फेज 6 एंड फेज 7 आइडली इज द नेक्स्ट अप मार्केट, यहाँ पे अभी उतनी मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, जो पुरानी बड़ी चेन्स हैं जैसे कि ग्लोरिया है या आई थिंक कॉफी प्लैनेट और इस तरह की, अब यहाँ पे टिम हॉर्टन्स एंड एवरीथिंग, बट एज वी सेड कि ये तो बड़े प्लेयर्स हैं, ये एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, इनकी फ्रेंचाइज चल रही है, और मैं पर्सनली फ्रेंचाइज बिजनेस कर चुका हूँ, तो उसके बावजूद मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, दो आई डिड इट वेरी वेल, वो अच्छा रहा मेरा बिजनेस, तो ग्रेट एग्जिट, लेकिन
मैं फ्रेंचाइज बिजनेस रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोकल जो है अपना ब्रांड बनाएं, क्योंकि अब ब्रांड इमेज आपकी कॉफी बीन सोर्स करना, कप्स बनवाना, स्टाफ लेना, कॉफी मशीन अच्छी लेना, ये कोई इतनी कोई बड़ी बिग डील नहीं है। बहुत से वेंडर्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप खुद इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप खुद भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप अपना इधर रोस्टिंग इधर कर सकते हैं, सो वो भी आपका हो सकता है। सो ये एरियाज अच्छे हैं इधर, आप राया के रेंटल्स छोड़ के बाकी रेंटल्स भी डिसेंट है। और हाँ, डबल शॉट की एक और अच्छी बात, उन्होंने पूरी बिल्डिंग वाला रोला किया ही नहीं है, जैसे आपको मोस्टली ग्लोरिया नजर आते हैं, कॉफी प्लैनेट्स नजर आते हैं, ग्राउंड भी है, बेसमेंट भी है, मेज़नाइन भी है, फर्स्ट भी है। आई थिंक देयर इज नो पॉइंट, लोग बड़ा टू गो नेचर पे आ चुके हैं, अगर वो आते भी हैं उनको बेयर मिनिमम कुर्सी पे टेबल पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेयर मिनिमलिस्टिक हो गया वह काम। पहले ही होता था पुरानी कॉफी शॉप, आपको याद होंगी, बड़े बड़े सोफे, प्रॉपर लाउंज फील्स आती थी कि जी नीचे आप जो सिगार और स्मोकिंग लाउंज था वो प्रॉपर लाउंज बने होते थे, जैसे पुराने शीशा कैफेज नहीं होते थे कि जी आके बड़ी कंफर्टेबल सिटिंग हो जानी, क्योंकि लोगों ने लब ज्यादा देर बैठना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी सी छोटी कुर्सी, छोटी सी छोटी टेबल पे लोग एडजस्ट हो रहे हैं, अपना लैपटॉप खोल के बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एवरीथिंग। डबल शॉट का जो वहां का इंटीरियर्स है, खैर वो तो बहुत ही छोटी शॉप है, उस पर तो टोटल उनके 3 टेबल है। यहाँ पे आई थिंक ये वाली चीज अभी रिसेंटली बहुत सूट करेगी जिन लोगों को जो के कॉफी शॉप में बैठ के काम करना चाहते हैं, काफी पीसफुल है, इंटीरियर्स बड़ा मिनिमलिस्टिक है, उस तरह से शोर शराबा नहीं है, अभी उस तरह से रश नहीं है, तो ये वो मार्केट काफी अट्रैक्ट कर सकते हैं जो के है लोगों की जो के मतलब रिमोटली काम करते हैं बट वो आधा टाइम कॉफी शॉप में बैठ के अपना काम करते हैं। अच्छा, अब ये जो ब्रांड है ना, इससे वैसे मेरे सारे इख्तलाफ ही हैं, मुझे कॉफी टी बीन लीफ जो भी है ये CBTL, इसका मुझे कुछ नहीं पसंद सवाय इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन बहुत ही ऑन पॉइंट है, ठीक है, दैट इज द लोकेशन आई विल ऑलवेज रिकमेंड। और अगर मैं अपने लिए भी करूंगा कि यार ये लोकेशन होनी चाहिए, आप लेफ्ट राइट सेंटर ट्रैफिक के बीच में बैठे हुए, ठीक है, आते जाते हर बंदा आपको देख रहा है, यू आर गेटिंग सो मेनी आई बॉल्स, यहाँ पे इसलिए हर वक्त रश रहता है, आप चलते फिरते गुजरते हुए कह रहे हैं यार यहाँ से कॉफी ले लेते फिर चलते, यहाँ से कॉफी ले लेते फिर चलते। सो ये बहुत अच्छा है, और प्लस कॉफी टी बीन की जो कॉफी बीन एंड टी है, सॉरी, इसकी अपनी जो मार्केट है, इन्होंने सुना है कि लोग कहते हैं जी बड़ी जेंजी मार्केट है इनकी, वो यहाँ पे आके लोग बैठते हैं। इनका विंटर्स का बहुत गुड सीन है क्योंकि बालकनी, रूफटॉप एंड एवरीथिंग, दो भी यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ा होगा, लेकिन रूफटॉप बालकनी और ये आउटडोर सेटिंग का इनका एक एज है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज द लोकेशन। इन टर्म्स ऑफ कॉफी एंड प्राइसिंग, आई थिंक स्टिल थिंक ये ओवर प्राइस्ड है, और टेस्ट इतना कोई खास नहीं है मुझे लगता, आई कैन बी रॉन्ग, बट आई स्टिल थिंक कि बाहर इससे बेहतर कॉफी शॉप्स हैं, बेहतर कॉफी का टेस्ट है, और ओवरऑल इसका एम्बियंस भी वही ओल्ड स्कूल वाला जो हम कह रहे थे, बड़े बड़े सोफे बैठे हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग है, अच्छी खासी कॉस्ट है, बट अगेन ये अब एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, ये अफोर्ड भी कर सकता है, ये चला भी सकते हैं, तो इनको ऐसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट अगेन फॉर स्टार्टअप जो के बिल्कुल इस सीन में आ रहे हैं, उनके लिए इधर से मैं ये रिकमेंड करूंगा, द ओनली इंस्पिरेशन इज द लोकेशन, इट्स ब्यूटीफुल, परफेक्ट लोकेशन, ऐसे बेहतर लोकेशन नहीं हो सकती। अब हम जाते हैं एक नेक्स्ट ब्रांड की तरफ जो कि अभी नया मार्केट में आया, बीन मशीन इन द बिगिनिंग ऑफ फेज 5। बीन मशीन का सीन ये है कि कॉफी उनकी डिसेंट है, ठीक है, आई वोंट से कि इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट अगेन टेस्ट एक सब्जेक्टिव चीज है, बहुत लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बहुत को नहीं भी अच्छा लग सकता, बट द पॉइंट इज उन्होंने कुछ डिफरेंट लाए हैं वो डेफिनेटली मार्केट में, उनकी कुछ यूएसपी है, उसमें से एक यूएसपी उनकी ये है कि उन्होंने सिटिंग बड़ी ही डिफरेंट और बड़ी ही मतलब आप समझ लें आउटडोर्स को ज्यादा यूज किया है, गेम्स इंट्रोड्यूस की हैं उन्होंने, वहां पे जेंगा पड़ी हुई होती है, आई थिंक सीक्वेंस पड़ी हुई होती है, और वहां पे अंदर तो उनके पास इतनी जगह नहीं है, लेकिन अगेन लोकेशन उनकी भी अच्छी है। उसकी रीजन ये है कि एक तो यार ये फेस 5 की सड़क कब बनाएंगे, मुझे ये नहीं समझ आता, इधर तो बंदा जो है ना ये तो कमर ही फारिग हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि एक तो वहाँ पे बड़े अब जो है ना टॉप नॉच अपार्टमेंट्स बने हैं जिनके नीचे उन्होंने बीन मशीन खोला, ठीक है जी। सेकंड रीजन है लम्स, लम्स इज अ ह्यूज रीजन। टी ब्लॉक की मार्केट में शुरू शुरू में जो खुला वो लम्स की वजह से चला, और ये चीज भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि लम्स का क्राउड इधर अभी आ रहा है और आगे भी आएगा, और स्पेशली सर्दियों, अभी हम जाते हैं वहां पे उसकी आउटडोर सेटिंग देखते हैं, तो वो लोकेशन अच्छी है, स्लाइट हिडन भी है, गेट एट द मेन भी है, सो वो अगेन वो सारे एस्पेक्ट पूरे करती है कि आप जाते जाते गुजरते हुए कॉफी लेना चाहते हैं, आप बैठना चाहते हैं, आप डेली उधर जाना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, और वो भी बड़ा जेंसी स्पॉट है, ठीक है, स्टूडेंट्स वहां पे लम्स के स्टूडेंट्स वॉक करके आ सकते हैं, सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट लोकेशन वो बहुत आइडियल है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेंटल। वो मैं पिछले दिनों ये किसी से बात कर रहा था कि यार इसका रेंटल पता करना चाहिए कि ऐसी जगह का रेंटल कैसा होता है, कि अपना क्या नाम है, कल को हम कोई वर्किंग करते हैं या हम कोई अपना क्या नाम है अपनी को कॉफी शॉप खोलते हैं, क्योंकि आजकल काफी अपार्टमेंट्स इस तरह के खुल रहे हैं, कल को अपार्टमेंट के अंदर भी अगर आपका क्राउड आता है, लोग आते हैं वहां पे रहते हैं, तो वो काफी इफेक्टिव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड डेली सेल्स, एज आई सेड रिकरिंग रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वरना फिर वो वीकेंड टू वीकेंड आप वेट करते रहते हैं कि जी आज फ्राइडे सैटरडे है, आज जो है अच्छी सेल हो. सो आई थिंक द बिजनेस शुड बी बियॉन्ड दैट. और वो तभी बनता है जब आपका रेगुलर कस्टमर डेली वाला जो, और काफी लोग हैं जो ऑलमोस्ट डेली कॉफी पीते हैं मेरे जैसे, जिनकी आधी वेल्थ कॉफी पे जाती है. खैर हम अपनी आधी वेल्थ जिनको कॉफी पे देते हैं उन तक हम लास्ट पे पहुंचेंगे उनको डिस्कस करने के लिए. लेकिन सो हियर वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ फेज 5, ठीक है. और यहाँ पे ये निर्वाणा है, और निर्वाणा के पीछे देयर इज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, और उसके साथ जो अंदर गली जाती है वहां पे वी हैव बीन मशीन राइट हियर. सो एक और अच्छा पॉइंट भी है यहाँ पे, ऊपर कोवर्किंग स्पेस है. सो वो बहुत बड़ा एज है, ये इधर दफ्तर खान है राइट. हाँ, दफ्तर खान का बहुत बड़ा एज है. ये देखें ये सारी पार्किंग इस वक्त यहाँ पे, ये अपार्टमेंट की तो नहीं है, ये आधे ज्यादा दफ्तर खान में लोग बैठे हैं, निर्वाणा में गए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा एज है. सो दिस इज व्हाट बीन मशीन इज, ठीक है. अभी आप देख रहे हो आउटडोर सेटिंग सारी, वहां पे गाड़ी पार्क करके नजर आ, गाड़ी से उतरते हैं. सो ये जो रोड है ये काफी सेक्लूडेड सी है, येट ये यूज भी होती है. सो ये सीधा फेस 5 से आप आ रहे हैं, और फेस 5 से ये यहाँ से कनेक्ट होती है, सीधा लम्स के पीछे जाती है. तो आई थिंक ये काफी यूज होती है रोड, जाते हुए आप यहाँ पे ले सकते हैं. पार्किंग स्पॉट इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, और एज आई सेड ये अपार्टमेंट बिल्डिंग इनको फ्यूचर में को बहुत फायदा देगी. लम्स है, दफ्तर खान है, इट्स ऑन द वे, पार्किंग एम्पल है, सामने भी पार्किंग है, यहाँ पे पीछे भी पार्किंग है, और कॉफी शॉप छोटी सी है, अच्छी सी स्वीट सी, कोई बहुत उसके अंदर वो नहीं है. एज ए साइड मिनिमलिस्टिक काम चल रहा है इस वक्त, आपको बहुत ज्यादा इंटीरियर्स पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, एज फार एज इट लुक्स डिसेंट और क्लीन होना चाहिए, तो वो वाला सीन है. ये जो इनकी आउटडोर सेटिंग है ना आगे, इसकी गेम है मेनली. आई थिंक अभी तो खैर मौसम है, आग बरस रही है, लेकिन इसकी गेम है यहाँ पे शाम को. आज भी इवन अभी भी गर्मी में ये कूलर्स वगैरह हल्का फुल्का लगाते हैं. ये आउटडोर सेटिंग बहुत कमाल है, उन्होंने वो मिस्ट फैंस वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे, बच्चे अक्सर बैठे हुए गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक ये पर्टिकुलर स्पेस जो है ना इनकी, इनको विंटर्स पे बहुत एज देने वाली है. ब्रांडिंग वगैरह अच्छी है, नेम इज ईजियर टू रिकॉल एंड एवरीथिंग. प्राइस पॉइंट इनका अच्छा ही है जो आजकल चल रहा है. या दैट्स अबाउट इट. मेन्यू इनका डिसेंट है, वही थोड़ा सा आई थिंक एक्सटेंसिव है कंसिडरिंग डबल शॉट इन अदर कॉफी शॉप्स. लेकिन ये है कि बाकी उन्होंने चीज़ों को आउटसोर्स की हुई है, वो आजकल बहुत एक अच्छा आइडिया है. केक्स वगैरह खुद बनाने की जरूरत नहीं है, आउटसोर्स करें, सुकून करें. अच्छा जी, क्योंकि कॉफी की बात हो रही है तो थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा तो करनी पड़ती हैं. तो अब हम जा रहे हैं ग्लोरिया जीन्स फेस 4. क्यों हम जा रहे हैं उधर? क्योंकि आज देखें हम प्रोडक्ट्स तो रिव्यू कर नहीं रहे, हम तो बिजनेसेस रिव्यू कर रहे हैं, और हम मैक्सिमम नॉलेज देना चाह रहे हैं कि आउट देयर जो लोग कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या गलत कर रहे हैं. तो वहां पे जाके हम आपको एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे वो कॉफी शॉप हो या कुछ भी हो. खैर जब तक हम ग्लोरिया पहुंचते नहीं है, इन टर्म्स ऑफ माई ग्लोरिया एक्सपीरियंस, फ्रेंचाइज का नाम यस इट हेल्प्स, ठीक है. बट कंसिडरिंग कि इस वक्त लोगों की बाइंग पावर कम हो चुकी है, और फ्रेंचाइज जो बिजनेसेस होते हैं जिनकी ऑलरेडी एक सर्टेन कॉस्टिंग होती है, एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको पीछे से आती हैं जिसमें आप ज्यादा प्ले नहीं कर सकते, आपको रॉ मटेरियल एक सर्टेन तरीके से ही लेना है, एक सर्टेन क्वालिटी का लेना है, उसके बाद आपने रॉयल्टी देनी है, तो उस सब में जो प्राइसिंग है वो आपकी इतनी ऊपर चली जाती है कि वो फिर एक डेली यूज का प्रोडक्ट रहता ही नहीं है. इस वक्त आई थिंक बाहर जो कॉफीज जो अभी तक हमने ये डबल शॉट बीन मशीन और उसके बाद जैसे हम थर्ड कल्चर जाएंगे तो वहां पे कॉफी चल रही है अराउंड 700 एंड दीस गाइस एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 500 एंड समथिंग. दैट वाज एन अमेजिंग प्राइस. So, ये 700 तक आए हैं, लेकिन ये किधर चला गया? ज़्यादा घूम रहा है ये. खैर आई थिंक वो झटका लगता है ना उसके वजह से वो चेंज होते हैं. खैर एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग वो बहुत डिफिकल्ट है कि आप इन जो स्टार्टअप्स को मैच कर सके, तो वहां पे वो आपके लिए प्रॉब्लम है. और प्लस ग्लोरिया ने जो एक मिस्टेक की है वो ये की है कि उन्होंने इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ग्लोरियाज खोल दिए कि वो ये अगर आप उन्हें क्लाइंट बनाते भी हैं तो वो अगर कल को आपसे नहीं तो वो किसी और से ले लेता है, फिर किसी और से ले लेता है, तो वो आपका एक अगेन एज ए रेगुलर कस्टमर नहीं बनता. सेकेंडली अगेन जो मैंने लोकेशन का बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से ही वो चीज सीखी. दो हम एक बहुत ही हैपनिंग मार्केट के अंदर थे जो कि फेस 4 मार्केट है, डेली डेली है, ब्रिम है, बुंदू खान है, और भी दो चार मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं. लेकिन क्योंकि ये हिडन है, अंदर जा रहे हैं आप, आपके रास्ते में नहीं आ रहा, तो आप स्पेशली माइंड बना के निकल रहे हैं या आप उस साइड से आ रहे हैं पीछे से, तो आप रुक सकते हैं, वरना वो जो जाता गुजरता गुजरता हुआ वाला कस्टमर है ना वो आपको नहीं मिलता यहाँ पे. लेकिन ये कि मार्केट ही अच्छी है, पार्किंग है एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ है, तो ये गुड सीन है. बाकी हमने भी अगेन बाकियों की तरह वही गलती की, हमने फुल ऑन हैवी कॉस्टली पूरा प्लाजा ले लिया, उसको इंटीरियर्स किया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ एज ये था, रूफटॉप हमारा बहुत एज था, ठीक है, बालकनी हमारा एज थी. तो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर ये पहला मॉडर्न ग्लोरिया था जब ग्लोरिया की ब्रांडिंग चेंज हुई थी, तो वो हमारे कुछ एज थे. लेकिन इधर मैं चाहता हूँ आपको एक चीज दिखाना, कीप रोलिंग, उसको बुलाना.
हसनैन को बुलाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो आ रहे हैं लोग बाहर, ये है वो टीम जो हमने ट्रेन की और जो वैसे भी अच्छी थी, और टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें मैं आ रहा हूँ। ओके, सो ये हैं जी मिस्टर हसनैन, क्या हाल है हसनैन? ठीक है। सो आज जो हम आज यार बता रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं कि कॉफ़ी शॉप अगर स्टार्ट करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जो सारे कंपटीटर आए हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं लोगों को ये बताने कि टीम ऐसी होनी चाहिए थी। हसनैन है और यहाँ पे शाम के टाइम होता था हमारे मुजाहिद जो आज भी है, ये ऐसे लोग हैं कि ये पूरी मतलब जो फैसिलिटी है ऑन देयर ओन चलाते हैं, और ऐसी टीम होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई कॉफ़ी शॉप खोलना चाह रहे हैं तो हसनैन को यहाँ से अगर तोड़ के लेके जा सकता है तो ले जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ये बंदा अकेले पूरी कॉफ़ी शॉप मैनेज कर सकता है अलॉन्ग विद मुजाहिद, या वैसे अकेले भी कर सकता है। सर आपका कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत से भी बढ़ गया। सर ऐसा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो शुक्र, मुझे तो कभी अफसोस सिर्फ ये है कि तुम्हारे साथ ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, उसके बाद बेचना पड़ गया, लेकिन मुझे आजकल कीड़ा हुआ है कॉफी शॉप का, तो जिस दिन मैंने खोली तो मुझे पता मेरी टीम तो रेडी है। ठीक है, और सब सेट है, गुड है। चलो, गर्मी में क्या रिपोर्ट है, सेल कम हुई है? स्मूथ है। ठीक है, ठीक है, और सब सेट। चल मिलते हैं, ओके, सी यू। नहीं, थैंक यू। तो ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए जो कि ओनरशिप ले। मैंने ग्लोरिया में बहुत टीम्स रखी, बहुत कुछ रखे, लेकिन जब ये टीम मुझे मिली थी, ट्रस्ट मी, ऑपरेशंस ही फर्क हो गए थे। ये सेल्स की ओनरशिप लेते थे, इनको पता था कि अच्छा यार प्रॉब्लम आनी है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी अपसेलिंग किस तरह करनी है, सारा कुछ है। टीम अगर आपकी अच्छी है तो फिर शायद आपको लोकेशन भी नहीं मैटर करेगी, क्योंकि जो डेली का कॉफी पीने वाला है ना, उसकी आपकी टीम के साथ बहुत इंटरेक्शन होनी है। आप ये भूल जाएंगे उसको अगर आपका प्रोडक्ट तो वो रोज आएगा, उसको आपकी टीम के साथ इंटरेक्शन करनी है, वो करेगा और वो इवेंचुअली इनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है आपकी। ठीक है, अब जैसे हम इसके बाद हम जा रहे हैं थर्ड कल्चर, जहां पे मेरी आधी जायदाद चली गई है कॉफी पी पी के, तो वहां पे मेरी टीम के साथ अब एक अलाइनमेंट है। मैं वहां पे जाता हूँ, मुझे पता है बरिस्ता कौन है, किसके हाथ की मैंने कॉफी पीनी है, उनको पता है मेरी गाड़ी देख के वो ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, कोई चीज कभी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो थोड़ा मेक श्योर करते हैं कि वो अवेलेबल कर दें, तो यू नो वो एक बॉन्ड बन जाता है और वो कस्टमर सर्विस के अंदर ऐड होता है। और कस्टमर सर्विस तब ही मिलती है जब आपका स्टाफ इतना मोटिवेटेड है कि वो कस्टमर को और आपके बिजनेस को ओन करे कि नहीं यार ये मैंने बिजनेस चला के देना है, इन्वेस्टर्स या बॉसेस जो बैठे हुए उनके लिए मैंने काम करना है क्योंकि मैं एक सर्टेन सैलरी ले रहा हूँ एंड एवरीथिंग, और फिर आपको उनको रिवॉर्ड भी करना पड़ता है। इस तरह की रिसोर्सेज अच्छे में नहीं, मतलब सस्ते में नहीं आती, यू हैव टू गिव मार्केट कंपेटिटिव से भी थोड़ी प्लस सैलरी फॉर देम टू यू नो बी मोटिवेटेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स व्हाई वी वेंट टू ग्लोरिया। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं द थर्ड कल्चर। ठीक है, अच्छा थर्ड कल्चर का सीन ये है कि जो मेरे दोस्त हैं अगर वो ये देखेंगे या जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं दिन में 2 से 3 दफा वहां पे जाता हूँ, तो उनको लगेगा कि ये बायस्ड है। बट अगेन एज आई सेड कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, प्रोडक्ट एक सब्जेक्टिव चीज है। मुझे थर्ड कल्चर की कॉफी बहुत पसंद है, मेरे कुछ दोस्त उनको बिल्कुल नहीं पसंद, वो तो बल्कि मुझे इस बात पे जज करते हैं कि तू इतनी कॉफी पीता तुझे अभी तक ये नहीं पता कि थर्ड कल्चर कॉफी अच्छी नहीं है, मैं कभी मुझे अच्छी लगती है। सो अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज कि थर्ड कल्चर की काफी स्ट्रेंथ्स हैं और मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ एज बिजनेस। रीजन बी, नंबर वन, अगेन दे स्टार्टेड वेरी स्मॉल, मेन बुलेवार्ड पे उन्होंने एक बिल्कुल एक ट्रक सा रखा। आई थिंक द ओनर्स आर वेल कनेक्टेड इन अ वे कि उनका एक अच्छा नेटवर्क है, और वो एक वो नेटवर्क है जो लाहौर की एक सर्टन आप जिसको कह लें क्लास है, क्रीम है या व्हाटएवर जो भी आप लव्स कह लें, जो जिनकी स्पेंडिंग पावर अच्छी है, जो बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, सारा कुछ है। दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर और एक बहुत ही ट्रक से एक नाम आना शुरू हो गया कि यार थर्ड कल्चर की कॉफी पी है, थर्ड कल्चर की कॉफी पी है, थर्ड कल्चर की कॉफी पी है। और मैंने तो इसलिए नहीं पी थी क्योंकि गुलबर्ग जाकर तो मैं कॉफी पीने से रहा, और तब तक वैसे भी मेरे पास ग्लोरिया था तो मतलब ऑब्वियसली मैं और कोई ट्राई करता ही नहीं था। उसके बाद वो उन्होंने LDA ने वो शॉप तोड़ दी। ठीक है, उसके बावजूद पॉइंट ये है कि उन बॉयज को तब तक वैलिडेशन मिल चुकी थी कि नहीं यार हमारे प्रोडक्ट में जाना है, लोग हमारा प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, और इंतहाई लीन मॉडल, सिंपल कुछ चंद कॉफीज हैं, डिजर्ट्स वगैरह खाना पीना वो सब आउटसोर्स कर रहे हैं। उन्होंने वहीं पे गुलबर्ग में जहां पे उनका बाहर लगा हुआ था वो आई थिंक रोलेक्स वाला प्लाजा है, उसके अंदर उन्होंने शॉप खोली। वो DHA आए, DHA के बाद वो कैंट चले गए, और केंट के बाद अब वो राया में भी हैं, बट राया में वो किधर हैं, कोलैब्स के अंदर। सो सी दिस इज सच स्मार्ट मूव कि उन्होंने वैलिडेशन ली, उन्होंने प्रोडक्ट अपना कंसिस्टेंट रखा, उन्होंने कोई चीज नहीं की कि हम खाने में भी जाएंगे, हम कॉफीज के मेन्यू बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं, प्लेन बेसिक सिंपल, और उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। जल्दी जल्दी उन्होंने मार्केट टैप की, और इस वक्त थर्ड कल्चर पे जब भी कोई जाए वो ये कहता है यार ये पाउडर बेचते हैं ये क्या सीन है, आप इतना रश क्यों? अब उसके और मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले एज आई सेड 550 के आसपास इन्होंने अपनी कॉफी स्टार्ट की थी, एंड दैट वाज रिडिकुलस, मतलब कि हर बंदा पी के कह रहा था यार 550 में आजकल क्या मिलता है। दूसरी बात, टेस्ट अगेन एज आई सेड मुझे अच्छा लगता है।
थर्ड इंटीरियर वाइज अच्छा है, उन्होंने वो एक कम्युनिटी बना ली है, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है ना फैक्टर आयरन बॉक्स खेलने लगा था थर्ड कल्चर का, कि वो एक कम्युनिटी बन गई है वहां पे। मैं बहुत अक्सर ऐसा होता है कि मैं अकेला जाता हूँ, कोई रैंडम बंदा अकेला बैठ के कॉफी पी रहा होता है, मेरी उससे बातचीत स्टार्ट हो जाती है और फिर वहां पे मुझे अक्सर नजर आता है, हमारी मुलाकात हो जाती है। उसके बाद ये मतलब कैंट में भी हो रहा है, राया में उन्होंने अपनी प्रेजेंस कर दी, बट उन्होंने वो खर्चा, वो पूरी बिल्डिंग का रेंट वो अपने सर पे नहीं लिया, उन्होंने कहा कोलैब्स के साथ कोलैबोरेशन में, उन्होंने कहा हम आपके साथ आते बैठ गए। अब मैंने सुना इस्लामाबाद भी जा रहे हैं और आई थिंक वेरी सून दे विल बी एंटरिंग लेक सिटी इन बहरिया टाउन एज वेल, बिकॉज दैट्स अनदर ह्यूज मार्केट। सो आई थिंक द वे दे एक्सपेंडेड आफ्टर गेटिंग द वैलिडेशन, द वे दे केप्ट देयर प्रोडक्ट वेरी लिमिटेड, प्राइसिंग उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जरूर है, लेकिन अब वो बड़े अरसे 700-750 के आसपास मेंटेन्ड है। और बाकी लोकेशन इन टर्म्स ऑफ डीएचए इट वॉज वेरी ट्रिकी फॉर देम, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि प्लाजाज भी कुछ थोड़े कर्स्ड होते हैं, कि जहां पे बिजनेस खोलो तो जो नहीं चलता वो नहीं चलता, और वो एक ऐसे ही प्लाजे में गए और वो मार्केट बिल्कुल डेड थी, ठीक है। वहां पे उनके साथ बर्निंग ब्राउनी आया और वो आए, और उसके बाद से अब वहां पे सिर्फ रश थर्ड कल्चर की वजह से। सो आई थिंक जो उनकी स्ट्रेंथ्स है वो यही है कि उन्होंने एक वैलिडेशन ली, एमवीपी किया, जैसी उनको समझ आई उन्होंने कैश पोर इन करके एक्सपैंड किया है, बड़ी ऑन स्पॉट लोकेशंस पकड़ी है, प्राइसिंग अच्छी रखी है, कम्युनिटी फैक्टर दिया है, और आई थिंक उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना उनका अपना वो भी है, जो आपका जो ओनर्स है वो उनका नेटवर्क अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं उनके ओनर से मिला हूँ, वेरी नाइस गाइज, और बड़ा उनका फोकस है अपने बिजनेस के ऊपर और उसकी एक्सपेंशन के ऊपर, और टीम उनकी अच्छी है, स्पेशली जो उनकी इधर डीएचए वाली की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो तो बहुत ही कमाल है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं थर्ड कल्चर के जो मुझे बहुत पसंद है, और अगर मैं कॉफी शॉप खोलना चाहूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरा बिगेस्ट थ्रेट या बिगेस्ट कंपेटिटर थर्ड कल्चर ही है इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, क्योंकि दे रियली हैव कैप्चर्ड द मार्केट एंड इट्स ब्रिलियंट। दो मार्केट में अभी भी बहुत गैप है, बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जो उन्होंने टैप नहीं की, बहुत से एज आई सेड लोग हैं जिनको अभी तक थर्ड कल्चर की कॉफी समझ नहीं आती, उनको अच्छी नहीं लगती इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर ओन ब्रांड प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। आई थिंक बहुत स्ट्रेंथ्स हैं थर्ड कल्चर के मॉडल के अंदर, और इट्स सम रियली स्मार्ट मूव्स जिनसे सीखा जा सकता है। और एक बात, थर्ड कल्चर ने मुझे पैसे नहीं दिए वीडियो बनाने के, ठीक है, ये इट्स जस्ट माय ओन ओपिनियन, और ना ही मुझे वो फ्रेंचाइज दे रहे हैं, हालांकि आई रियली वांट कि वो मुझे अगर कोई ऑफर हो इस तरह की, बट आई थिंक इट्स गुड कि वो फ्रेंचाइज नहीं दे रहे। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, अगर आप इस बिजनेस में आते हैं और आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाता है तो आई थिंक यू शुड बी ग्रीडी टू यू नो एक्सपैंड विद फ्रेंचाइज मॉडल। आप अपने ब्रांड को पहले प्रॉपरली एस्टेब्लिश करें, क्योंकि फ्रेंचाइज के अंदर आपकी क्वालिटी, आपकी प्राइसिंग, आपकी ब्रांड प्लेसमेंट सारी अफेक्ट होती है। जिस तरह से आप अपनी शॉप को अपने ब्रांड को लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कोई उतना फोकस ना कर रहा हो इंटीरियर पे, मार्केटिंग पे, क्वालिटी पे, तो वो आपके ब्रांड को हर्ट कर सकता है। Until unless you are so big like Tim Hortons or Costa or even for that matter Gloria Jeans, तो शायद वो इतना मैटर नहीं करता, और यहाँ पे खड्डे बहुत हैं। So थर्ड कल्चर से भी हम कॉफी पियेंगे ऑफ कोर्स, और थर्ड कल्चर के सामने एक और चीज भी है जिससे मैं एक चीज सीखता हूँ, बर्निंग ब्राउनी। बर्निंग ब्राउनी मुझे ये सिखाता है कि लॉरी वाम को कभी ट्रस्ट नहीं करना। हम वो लोग हैं जो इस्लामाबाद तक चले जाते हैं कॉफी और सॉरी चीज केक खाने, और जब वो हमारे पास खुद चल के आया है तो हमने उसको झंडी गिरा दी। दो आई थिंक बर्निंग ब्राउनी इज नॉट अ टिपिकल कॉफी शॉप, वहां पे डिजर्ट्स भी मिलते हैं, एवरीथिंग सारा कुछ, लेकिन स्टिल बर्निंग ब्राउनी को वो रिस्पांस नहीं मिला जो कि बाकी यहाँ के लोकल ब्रांड्स को मिलता है। आप अभी ही देख लें, ये थर्ड कल्चर की पार्किंग है, ठीक है, वीक डे पे दोपहर 4 बजे, और ये बर्निंग ब्राउनी की पार्किंग। सी सो लॉरी वाम को आपने ट्रस्ट नहीं करना कभी। काफी चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आप चीज भी अच्छी बेच रहे होंगे, प्राइस भी अच्छी होगी, लेकिन इफ द लॉरीज विल रिजेक्ट यू, दे विल रिजेक्ट यू, एंड इफ दे विल एक्सेप्ट यू, तो वो अपनी किडनी बेच के भी आपका प्रोडक्ट लेके जाएंगे। सो कीप दैट इन माइंड। सो ऑल द सिंपथीज विद बर्निंग ब्राउनी, उनके प्रोडक्ट्स ठीक हैं, अच्छे हैं, चीज केक उनका ऑल टाइम फेमस है। लेट्स गो हैव सम कॉफी।